हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RSGO24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना कौशिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि RSGO डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आपकी जो टीम होती है 1 से 7 लेवल की, उस टीम को आप कहाँ देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, और उस पूरी की पूरी टीम को आप कैसे गाइड कर सकते हो ताकि एक साथ 1 से 7 लेवल का यूनिफॉर्म वर्क आपकी टीम में हो और आपकी टीम के साथ साथ आपको भी अच्छी खासी अर्निंग हो। बहुत ही इजी सिस्टम दे दिया गया है एप्लीकेशन से ही। आप टीम को गाइड कर सकते हो, टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो, टीम को कॉल कर सकते हो, टीम को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, कैसे आप इजीली अपनी पूरी की पूरी टीम जो है 1 से 7 लेवल की उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले मेरे फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि RSGO के सारे वीडियो आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड, लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि फ्रेंड आपके लाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने का। ओके, तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन है RSGO डिसेंट्रलाइज, उसको लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड, इस तरह का एक पेज ओपन होगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है आपको, फिर लॉगिन कर लेना है एप्लीकेशन में अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको वहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर चले जाना है। गो टू डैशबोर्ड के बाद गो टू टास्क। अब समझ आया, मेरा बेटा हमेशा तेरी घर आ गया। तो आपको गूगल क्रोम पर रिडायरेक्ट करने के लिए एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पर। जैसे गो टू टास्क पर क्लिक करोगे, इस तरह से क्रोम ओपन हो जाएगा, जस्ट वन पर क्लिक कर देना है। आपका जो क्रोम वाला वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, dav.rsgo24.net। ठीक है, अब यहाँ पर टीम को कैसे गाइड करना है, तो फ्रेंड आपको चले जाना है यहाँ पर, ऊपर एक बटन है वहाँ पर ऑन ऑफ स्विच में, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए टीम इन्फो यहाँ पर लिखा है। टीम इन्फो पे आप जाओगे, टीम इन्फो पे क्लिक करोगे तो टीम की इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी यहाँ पर देखिए। यहाँ पहला लेवल है, ठीक है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि किस तरह से आप सर्च कर सकते हो। आपको किसी का मोबाइल नंबर मालूम है तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख कर यहाँ सबमिट करोगे तो उसका नाम आएगा। सिर्फ किसी की यूज़र आईडी मालूम है तो वो यहाँ पर डालकर सबमिट करोगे तो उसका सिर्फ नाम आएगा। आईडी स्टेटस यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट आईडी स्टेटस, आप अगर सिर्फ फ्री की आईडी देखना चाहते हो जो फ्री वाले मेंबर है तो ये सिलेक्ट फ्री वाला कर लेना है, एक्टिव वाला कर लेना है तो ये सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मैं फ्री वाला सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए सभी फ्री वाले, फ्री 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 वाले मेंबर यहाँ पर आपको शो होंगे। ठीक है, इस तरह से एक्टिव मेंबर आप अगर क्लिक करोगे यहाँ पर तो एक्टिव मेंबर ही शो होंगे। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट टास्क स्टेटस, यहाँ पर सिलेक्ट टास्क स्टेटस, मान लीजिए जिसका टास्क पेंडिंग है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर तो सिर्फ, और सबमिट करना है हर बार तो सिर्फ यहाँ पर पेंडिंग टास्क वाले ही आएंगे। देखिए पेंडिंग 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 पेंडिंग। ठीक है, उसी तरह अगर एक्टिव टास्क डन वाले क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे तो जिसका टास्क डन हो चुका है वैसे ही लोगों का यहाँ पर आएंगे। देखिए डन 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 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आप जो भी सिलेक्शन कर दोगे उस तरह से यहाँ पर नीचे नाम आते जाएंगे। फिर यहाँ पर लास्ट है तो इम्पोर्टेंट है पूरे 7 लेवल की टीम देखने का। यहाँ पर लेवल 1 की टीम है, अगर आप लेवल 2 की टीम देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए तो लेवल 2 की टीम दिखेगी। लेवल 3 की टीम देखना चाहते हो तो लेवल 3 की टीम सिलेक्ट करें तो सिर्फ लेवल 3 की टीम दिखेगी। ठीक है, अब मान लीजिए फ्रेंड लेवल 1 की टीम है, मैं वो देखना चाहता हूँ तो लेवल 1 की टीम है, मैं सबमिट करूँगा तो लेवल 1 की टीम यहाँ पर पूरी की पूरी दिखाई देगी। और उसमें क्या क्या दिखाई देगा फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हो उसका नाम दिखाई देगा, उसका मेल आईडी और उसका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तीन चीज़ें दिखाई देगी आपको। क्या करना है, सबसे पहले इसका मोबाइल नंबर सेव कर लेना है, उसका नाम तो दिया हुआ है, उसका मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। मोबाइल नंबर सेव करके उसके साथ आप बातचीत भी कर सकते हो या तो फिर आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आईडी फ्री है, जिसकी आईडी फ्री है उसको मैसेज जाएगा इंग्लिश और हिंदी में, कौन सा मैसेज जाएगा चलिए देखते हैं। जिसकी आईडी एक्टिव नहीं है उसको आईडी एक्टिवेशन के लिए कंपनी ने यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश वाला मैसेज चला जाएगा कि भाई आपकी आईडी देख सकते हो।
मैंने नाम सेव किया हुआ, तो यहाँ पर नाम आ गया है। देखिए, हेलो विष्णु जी, वेलकम टू वर्ल्ड फर्स्ट एवर डिसेंट्रलाइजेड प्लान। माय नेम इज कौशल जितेंद्र, आई एम योर अपलाइन मेंबर। योर आईडी इज स्टिल नॉट एक्टिव, एक्टिवेटेड आईडी बाय जस्ट पेइंग $12। इस तरह से पूरे का पूरा डिटेल आ जाएगा, कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी, कंपनी की PDF चली जाएगी, कंपनी का यूट्यूब चैनल चला जाएगा, फेसबुक का पेज चला जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक भी चली जाएगी। उसी तरह अगर आप हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में भी दे सकते हो। यहाँ पर हिंदी में क्लिक करोगे तो हिंदी में मैसेज चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा हिंदी है। नमस्कार, विश्व के वर्ल्ड फर्स्ट एडेंटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम ये है, आपका अपलाइन सदस्य हूँ। आपके आईडी अभी सक्रिय नहीं है। तो इस तरह से हिंदी में पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जिसके आईडी एक्टिव नहीं, उसको आप एक्टिव करने के लिए यहाँ से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया फ्री सिलेक्ट स्टेटस आई डी, यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। डेटास डन है, उसको भी रिमूव कर देता हूँ, तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी टीम दिख गई। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक्टिवेशन के लिए यहाँ से मैसेज किया, जिसकी आईडी एक्टिव होगी उसको ये मैसेज दिएगा। आप आगे देखोगे तो जिसकी आईडी एक्टिव होगी उसके पास ये मैसेज का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, जिसकी आईडी एक्टिव है तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसकी आईडी ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसको एक्टिवेशन का मैसेज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब टास्क की बात करते हैं, टास्क पेंडिंग है, उसका मैसेज अगर हमको सेंड करना है कि भाई आपका आज का टास्क पेंडिंग है, तो वो भी इंग्लिश हिंदी में चला जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश पे क्लिक करोगे, पेंडिंग के नीचे जो है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मैसेज चला जाएगा कि आपका टास्क अभी यहाँ पर देखिए। हेलो खुशाली जी, वेलकम टू वर्ल्ड फर्स्ट एवर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम। मैं आपका अपलाइन हूँ। योर टुडे टास्क इज नॉट कम्प्लीटेड, काइंडली कम्प्लीट योर टास्क। इस तरह से मैसेज चला जाएगा और सेम डिटेल PDF फाइल चला जाएगी, कंपनी की वेबसाइट चली जाएगी, यूट्यूब चैनल का लिंक चला जाएगा, फेसबुक का पेज चला जाएगा, टेलीग्राम का लिंक चला जाएगा और एप्लीकेशन के लिंक चली जाएगी। यही मैसेज अगर आप हिंदी में भेजना चाहो तो, अगर आप इंग्लिश में भेजना चाहते हो तो यहाँ से भेजो, हिंदी में भेजना चाहते हो तो यहाँ से भेजो, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ पर मैसेज इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये देखिए कि आपका टास्क अभी बाकी, आज आपका आज का कार्य पूरा नहीं हुआ, 1 रुपया अपना कार्य जल्द से जल्द पूरा करें, ठीक है। तो इस तरह से आप जिसका टास्क भी बाकी है उसको भी मैसेज कर सकते हो, जिसकी आईडी एक्टिव नहीं है उसको भी मैसेज कर सकते हो, और इस तरह से वर्क कर सकते हो। तो जिसकी आईडी एक्टिव होगी उसको एक्टिवेशन वाला मैसेज नहीं जाएगा, नहीं होगा, और जिसने टास्क भी देख लिया है उसको टास्क वाला मैसेज भी नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने टास्क भी कंप्लीट कर लिया, जिसकी आईडी भी एक्टिव होगी, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस मेंबर की आईडी भी एक्टिव है और इसके टास्क भी डन है, तो यहाँ पर मैसेज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी आईडी भी एक्टिव है और उसका टास्क भी डन हो चुका है। लेकिन जिसकी आईडी एक्टिव नहीं है उसको आप यहाँ से रेगुलर मैसेज कर सकते हो आईडी एक्टिवेशन के लिए, और जिसका टास्क पेंडिंग है उसको टास्क डन करने के लिए आप मैसेज कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड 1 से 7 लेवल में किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपने 1 से 7 लेवल डेली देखने की अगर आदत डाल ली, तो आपके पूरे 1 से 7 लेवल की टीम अच्छे से काम करेगी। और सबसे पहले तो सबके व्हाट्स मैसेज है, जो नंबर है उसको सेव करके सबका व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए 1 से 7 लेवल का, और उसमें ग्रुप पर भी रोजाना मैसेज डालें, प्लस इस तरह से पर्सनली आप यहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनी ने इतना अच्छा सिस्टम दिया है मैसेज करने का, तो उसका फ़ायदा उठाए, रोज़ मैसेज करें आईडी एक्टिवेशन के लिए, रोज़ मैसेज करें टास्क डन करने के लिए, तो फ्रेंड्स आपकी टीम डेफिनेटली वर्क करेगी, क्योंकि मैसेज जाएंगे तो पर्सनली देखेगा ही देखेगा, और अर्निंग का स्क्रीनशॉट भी भेजिए उनको, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्क करोगे तो यूनिफॉर्मली वर्क होगा, और 1 से 7 लेवल की टीम आप इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि कंपनी ने इतना बेस्ट सिस्टम दे दिया है कि आपको एप्लीकेशन से ही सीधा व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट किया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से इस सिस्टम का यूज़ कीजिए, ताकि आपकी पूरी टीम अच्छे से वर्क करे, आपकी टीम एक धागे में पिरो कर रह जाए और एक अच्छी सी खूबसूरत माला बन जाए यहाँ पर। तो इस सिस्टम का ज़बरदस्त यूज़ कीजिए, इस तरह से आप अपनी टीम को देख सकते हो, उसको गाइड भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड।